देश के सीमावर्ती गांवों को देश के आखिरी गांव कहते हैं। ये लोग सीमावर्ती जिलों को, वहां गांवों को जानबूझकर विकास से वंचित रखते थे। और आप हैरान हो जाएंगे, क्यों रखते थे, क्या तर्क देते थे, ऑफिशियली बताते थे। वो कहते थे कि सीमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कब्जा करने की संभावना बढ़ जाएगी। ये शर्म की बात है कि नहीं भाई? क्या हम इतने बुद्धिल हैं कि हम बढ़िया रास्ते बनाए तो दुश्मन उस पर चढ़ जाएगा? क्या बात करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुझे बताइए, किस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वो बाड़मेर की सीमा में घुसकर कब्जा करने की सोचे? हाय हिम्मत किसी में? भाइयों बहनों, हम सीमावर्ती इलाकों को, सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव नहीं, देश का प्रथम गांव मानते हैं। हमारे लिए देश की सीमा यहां पूर्ण नहीं होती है, हमारे यहां, यहां से देश शुरू होता है। आज अगर देश में 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास मिले हैं तो मेरे बाड़मेर को भी 2.25 लाख गरीबों को पक्के आवास का लाभ मिला है। भाजपा सरकार देश की आखिरी सीमा तक सड़कें और हाईवेज बना रही है।